नमस्कार दोस्तों, आपने काफ़ी वीडियो देखा होगा। आज इस वीडियो को भी आप देखिए। इस वीडियो के अंदर हम नाभिकीय स्नायु प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया हैं उसके बारे में समझने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा के अंदर या SN1 और SN2 अभिक्रिया हैं उनको समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नाभिकीय स्नायु प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। नाभिकीय स्नायु प्रतिस्थापन वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें प्रतिस्थापित करने वाला समूह और प्रतिस्थापित होने वाला समूह दोनों ही ऋणायन होंगे। ये बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो एका अणुक नाभिकीय स्नायु प्रतिस्थापन जिसको SN अभिक्रिया कहते हैं, और दूसरी है द्वि अणुक नाभिकीय स्नायु प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको SN2 अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, SN1 यहाँ पर एक लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया का जो वेग है उसका निर्धारण केवल एक अणु के द्वारा होगा, और उसमें अभिक्रिया का जो वेग है उसका निर्धारण दो अणु के द्वारा होगा। तो देखिए, इसी प्रकार इसकी जो परिभाषा है वो लिखी हुई है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के वेग का निर्धारण एक अणु द्वारा ही होता है उसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इस ये जो अभिक्रिया है दो पदों में होगी, यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। जो प्रथम पद है उसको गति निर्धारक पद कहते हैं, और जिसमें उच्च ऊर्जा का एक अस्थायी मध्यवर्ती उत्पाद बनता है या स्पेसीज बनता है जो जल्दी ही टूटकर उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है, तो इसकी जो क्रियाविधि देखें तो क्रियाविधि के लिए हमने एक है तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसका आयनन होगा या इसका विस्मांग विखंडन होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम तृतीयक एल्किल हैलाइड लें, यहाँ पर मैंने BR जोड़ दिया है, इसमें इस बंद ये बंद टूटेगा। ये बंद टूटने से यानी कि जो ये पद हम पढ़ रहे हैं, ये पद प्रथम है, इसमें क्या होगा, देखिए ये धनायन बनता है और जो दूसरा है वो ऋणायन बनेगा। तृतीयक एल्किल हैलाइड है, इसमें विस्मांग विखंडन होता है, और विस्मांग विखंडन होने से एक तो धनायन बनता है और दूसरा है वो ऋणायन बनता है। ये क्या है, कार्ब धनायन। इस कार्ब धनायन के ऊपर जो नाभिकीय स्नेही है वो आक्रमण करता है। ये पहला जो पद है मंद गति का है, और दूसरा जो पद होगा यहाँ पर कार्ब धनायन R और R, इस पर क्या करेगा, कोई भी नाभिकीय स्नेही है वो इस पर आक्रमण करेगा, और ये क्रिया है बहुत ही फास्ट होती है। और दूसरा पद है, ये पद फास्ट होता है यानी कि तीव्र गति से होता है, और ये हमारे पास से जो उत्पाद है वो प्राप्त हो जाता है। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं हम, ये एक CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर हमने BR जोड़ दिया है, तो इसका जो पद प्रथम होगा, प्रथम पद में क्या होगा, इसका आयनन होगा, और ये मंद गति से होने वाली अभिक्रिया है। इसमें CH3 ये कार्ब धनायन बनता है, CH3 CH3, और ये जो ब्रोमीन है इस बंध का विदरण होगा विस्मांग, तो BR माइनस ये बनेगा। और फिर पद जो सेकंड है, इसमें जो कार्ब धनायन है CH3, ये कार्ब धनायन है, और इस पर जो OH है, जो नाभिकीय स्नेही है, वो इस पर आक्रमण करेगा, तो ये क्रिया है वो फास्ट होगी, और CH3 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 और OH, इस प्रकार ये अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया के अंदर देखिए, अगर हम वेग देखें अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होगी, इनके। देखो, ये जो CH3 और यहाँ 3 CBr, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है, तो ये इसका वेग निर्धारक पद है। इसका अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं, अभिक्रिया की दर बराबर के स्थिरांक लग जाता है, और CH3 3 CBr, यानी कि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एक अणु के द्वारा ही निर्धारित होता है, यानी कि जो OH है, OH- यानी हाइड्रोक्सी आयन है, इसके द्वारा अभिक्रिया का वेग का निर्धारण नहीं होता।
अर्थात ये जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो इस प्रकार हम इस एकाणु की या SN अभिक्रिया है इसको इन उदाहरण के द्वारा भी हम इसको समझा सकते हैं। अब देखिए, हमने ये कार्ब जो धनायन है वो लिखा है यहाँ पर कार्ब धनायन। ये जो SN के उदाहरण ही चल रहे हैं इसमें क्या होता है कि जो ये कार्ब धनायन है इसके अग्र और पश्य, यानी कि ये पश्य है और ये अग्र है, यानी कि दोनों दिशाओं में ही जो OH है वो इस पर आक्रमण कर सकता है। तो इधर से आक्रमण करेगा तो OH इधर जुड़ेगा तो ये उत्पाद प्राप्त होगा, और इधर से आक्रमण करेगा तो हमारे पास जो उत्पाद होगा वो इस प्रकार का होगा OHCH3CH3। तो ये जो नाभिकीय स्नेही है इस कार्बन धनायन पर दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है या दोनों तरफ जुड़कर उत्पाद का निर्माण कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है, इसकी जो समतलीय त्रिकोणीय ज्यामिति होने के कारण होता है। जो SN अभिक्रिया है उसकी जो दर है इन दो कारकों पर निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड की संरचना और विलायक की प्रकृति। यानी कि ध्रुवीय जो विलायक है उसमें SN अभिक्रिया है वो तीव्र गति से होगी क्योंकि उसका जो आयनन है वो तेजी से होगा। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं SN2 अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया से आपको पता है यहाँ पर दो लगे हुए हैं, तो जो अभिक्रिया का जो वेग है या अभिक्रिया की जो दर है वो दो अणु के द्वारा निर्धारित होता है। ऐसे अभिक्रियाओं को हम SN2 अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार निर्भर करती है, यहाँ देखिए, यानी कि अगर इस अभिक्रिया के अंदर SN2 अभिक्रिया है ये एक ही पद में पूरी होती है, लेकिन इसके बीच के अंदर मतलब मध्यवर्ती जो उत्पाद है वो अस्थायी संक्रमण अवस्था बनती है, और इस संक्रमण अवस्था के अंदर जो कार्बन परमाणु है उस पर पांच संयोजकता हो जाती है, यानी वो पंच संयोजी हो जाता है, और यह पद गति निर्धारक पद होता है, यानी कि SN1 अभिक्रिया है एक ही पद में होगी। जैसे हम एक उदाहरण लें, जैसे RCRR और यहाँ पर कोई समूह जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने उसी तरीके से जैसे L जोड़ दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पर जो नाभिकीय स्नेही है वो इस पर आक्रमण करेगा, ये नाभिकीय स्नेही है ये इस पर आक्रमण करेगा, हम डॉट डॉट द्वारा ये नाभिकीय स्नेही है वो यहाँ पर जोड़ देते हैं। इस प्रकार ये मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है, और ये संक्रमण अवस्था जल्दी ही क्या हो जाएगी, जो NU है यानी कि नाभिकीय स्नेही इससे जुड़ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। नाभिकीय स्नेही हम ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे OH- भी हम ले सकते हैं, जैसे पिछले SN1 में देखा था उसी प्रकार इसमें भी ये ले सकते हैं। ये जो अभिक्रिया है एक ही पद में पूरी होगी, और इसके अंदर जो अस्थायी संक्रमण अवस्था बन रही है ये अस्थायी संक्रमण अवस्था है, और ये संक्रमण अवस्था के अंदर जो कार्बन है इसकी जो पाँच संयोजकता होगी, देखो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पंच संयोजी हो जाता है जो जल्दी ही उत्पाद में बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया का जो गति निर्धारक पद है वो दो हैं, यानी कि इसकी गति निर्धारक पद हैं वो दो हैं। जैसे यहाँ से बात करें हम अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर समानुपातिक किसके होगी, इसके, इसको ऐसे लिखें हम R3Cl, इस प्रकार लिख दिया है मैंने इसको, और एक इसमें जो ये आप ले रहे हैं यहाँ पर ये NU- ये, तो ये दोनों, यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और एक स्थिरांक लगाएंगे, तो R3Cl और NU-, यानी कि अभिक्रिया के जो वेग है उसका निर्धारण दोनों अणु निर्धारित करते हैं, अभिक्रिया के वेग को ये दोनों अणु निर्धारित कर रहे हैं। यदि SN2 जो अभिक्रिया है उसमें जो RX की क्रियाशीलता हम देखें तो इसकी जो क्रियाशीलता होगी वो CH3 पहले इसकी होगी और फिर उसके बाद में 1 डिग्री की होगी और फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। यहाँ पर 3 डिग्री की जो क्रियाशीलता है वो कम क्यों होती है, क्योंकि इसमें त्रिविम बाधा आ जाती है, इस प्रकार की त्रिविमीय संरचना बन जाती है, तो त्रिविमीय बाधा के कारण इसकी क्रियाशीलता जो है वो कम होती है। देखिए SN2 जो अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले
लगभग दो तीन कारक हैं। पहला कारक है एल्किल हैलाइड की संरचना। देखिए, तृतीयक एल्किल हैलाइड में त्रिमिम बाधा के कारण SN2 की जो दर है वो कम होती है, पहला तो ये है। और जैसे जैसे त्रिमिम बाधा कम होती जाएगी वैसे वैसे इसकी क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। और दूसरा है विलायकन, विलायकन प्रकृति। तो दूसरा जो विलायकन प्रकृति है, देखो यह विक्रिया जो प्रोटिक विलायक हैं उसकी तुलना में अप्रोटिक विलायकों में तीव्रता से होती है। और तीसरा इसका है, देखिए नाभिकीय स्नायी अभिकर्मक की सांद्रता भी इसकी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। यानी कि उसमें तो SN1 में तो क्या था, केवल जो आप ये ले रहे हैं, ये जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है वो ये विक्रिया के वेग को निर्धारित कर रहा है। यहाँ पर दोनों पद कर रहे हैं, तो दोनों पदों की मतलब नाभिकीय स्नायी की और जो एल्किल हैलाइड है, जो आप तृतीयक एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, इन दोनों की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। लेकिन SN1 के अंदर एक ही अणु है वो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।